टोंक में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने पीपलू थाने में ट्रैप की कार्रवाई की है। यहां एसीबी ने बजरी परिवहन की मासिक बंदी लेते कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान पीपलू थानाधिकारी मौके से फरार हो गया। खबर है कि पीपलू थानाधिकारी ने बजरी से भरे ट्रक पास करवाने की एवज में 6,000 रुपये की रिश्वत ली थी। वहीं एसीबी ने कांस्टेबल कैलाश को रंगे हाथों पकड़ लिया तो थानाधिकारी विजेंद्र सिंह गिल मौका पाकर फरार हो गया। बता दें कि एसीबी ने कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल की जेब से 1,40,500 रुपए की राशि भी बरामद की है। इधर एसीबी की कार्रवाई की भनक लगते ही एसएचओ विजेंद्र सिंह गिल मौके से फरार हो गया। अजमेर एसीबी ने भी थानाधिकारी विजेंद्र सिंह की तलाश शुरू कर दी है। वहीं शहर में विजेंद्र सिंह के कई ठिकानों पर दबिश भी दी गई है। इसके साथ ही एसीबी विजेंद्र सिंह के बैंक अकाउंट की जानकारी जुटा रही है। यह भी पता चला है कि रिश्वत के खेल में एक बड़ी चैन काम कर रही है। इससे पूछताछ में कई और लोगों को एसीबी अपने रडार पर ले सकती है। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह एसीबी ने टोंक में पीपलू थानाधिकारी के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों पर ट्रैप की कार्रवाई की है। इसमें कांस्टेबल कैलाश और दो अन्य दलालों को गिरफ्तार किया गया है, जो मिलकर बजरी माफियाओं से पैसा वसूलने में थाने की मदद करते थे। इस मामले में एक दिन में बजरी कारोबारी से 2 से 3 लाख रुपए थाने में पहुंचने की शिकायत मिली थी। जो हमारे पास शिकायत आ रही थी कि बजरी माफियाओं के साथ जो है पुलिस मिली हुई है, और इस तरह की शिकायत आ रही थी कि जो है मासिक बंदी पुलिस द्वारा ली जाती है, तो इस संबंध में जो परिवादी हमारे पास आए और उनकी शिकायत पर जो है एसीबी ने कार्रवाई की है। तो कल रात जो है पीपलू थाना टोंक जिले में जो है वहाँ के SHO विजेंद्र सिंह गिल जो है उनके लिए हमने कार्रवाई प्लान की थी, और इसमें कैलाश चौधरी जो एक कांस्टेबल हैं और साथ में दो अन्य व्यक्ति जो प्राइवेट हैं, उन तीनों को मौके से गिरफ्तार किया गया है, और SHO स्वयं जो है वो मौके से फरार होने में सफल रहे, जिनकी तलाश जारी है और उनके जितने भी ठिकाने हैं उन पर दबिश दी जा रही है। कितनी रिश्वत? कुल अमाउंट जो रिकवर किया गया वो 1,46,000 लगभग करीब अमाउंट है, और ऐसा सामने आया है कि लगभग 3,000 प्रति वाहन 3,000 रुपये ये जो है रिश्वत की राशि ली जाती है।